आसान है। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, ये कहता है एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर। चलो एक सॉलिड सिलेंडर बना लेते हैं, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ये इसकी एक्सीज है। कहता है सॉलिड सिलेंडर, उसका मास दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का मास 2 kg है। ये सब आप लिखना नहीं है, नीट में आप नहीं लिखना। और रेडियस जो है वो 4 cm है, रेडियस 4 cm है, और रोटेट कर रहा है ये जो है अपनी एक्सिस पर, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये ओमेगा से अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे ये जो है 3 revolution per minute, 3 revolution per minute फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो 1 मिनट में इतना चक्कर पूरा कर रहा है साइकिल, एक रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 मिनट इज 3, बट नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 revolution per minute है, तो ये फ्रीक्वेंसी 3 revolution per second, दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/10 revolution per second, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब कहता है इसको हमें रोकना है, भाई सिलेंडर घूम रहा है, सिलेंडर घूम रहा है, इसको हमें रोकना है, जैसे फैन रोटेट कर रहा है उसको हमें रोकना है, तो टॉर्क लगाना पड़ेगा ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाना पड़ेगा, जिधर रोटेट कर रहा है उसके अपोजिट ऐसे कोई टॉर्क क्रिएट करेगा, ठीक है। अब आफ्टर 2π revolution, अब यहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस 2π को थीटा समझ लेते हैं, ये थीटा नहीं है यार, ये आफ्टर 2π revolution, 1 revolution, 2 revolution, 3 revolution, 10 revolution, उसी तरह से 2π revolution। तो टू पाई रिवोल्यूशन के बाद, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू एक रिवोल्यूशन में थीटा कितना होता है 2π, तो 2π revolution में 2π, दैट इज 4π² radian एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आफ्टर 2π revolution, और फाइनली ओमेगा हो जाएगा 0, क्योंकि रोकना है और हमें टॉर्क चाहिए मेरे भाई। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इनिशियली ओमेगा कितना था, इनिशियली ओमेगा निकाल लिया जाए, तो ओमेगा इनिशियली कितना होता, ओमेगा इज इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी होता है, तो 2π फ्रीक्वेंसी हम पहले ही निकाले थे, 1/10, मतलब 1/10 मतलब 2 आएगा ना मेरे भाई, 2, तो 2 ने 2 को, मतलब π/10, दैट इज द इनिशियली ओमेगा, और फाइनली ओमेगा 0 हो गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि समेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पर ध्यान रखना कहाँ लगाना है, रोटेशन के लिए लगाना है, रोटेशन के लिए लगाना है, तो रोटेशन के लिए वर्क डन टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय थीटा और रिटार्डिंग टॉर्क है, तो माइनस साइन लगा देता हूं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगा प्यारे बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो तो 0 हो गया, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहां से मुझे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें चाहिए टाउ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइडेड बाई थीटा के इक्वल होगा, ये हमें चाहिए यार टॉर्क। अब इसमें वैल्यू डाल दो, ठीक है, थीटा की वैल्यू हम निकाल के आए हैं 4π² समझना, थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल के लेके आए हैं 4π², और काइनेटिक एनर्जी ½ I, सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके इस वाले एक्सिस पर डिस्क के बराबर mr² / 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर मतलब π² / 10 आता है ना सबको यार, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, ½ I ओमेगा स्क्वायर। ये सब मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसको मास मास रख दो 4 kg, तो यह जाएगा 4π² या डायरेक्ट 8π लिख दो, 8π², ठीक है, और मास 4 kg और रेडियस 2×10^-2 स्क्वायर, ठीक है, और हाँ, और ये आ जाएगा 100 और ये π², ठीक है। तो π² ने π² को, और ये आ जाएगा ये 4 और 16, ऊपर बचा 2, ठीक है, 2 और × 10^-4, ठीक है, और ये 10^ ऊपर चला गया तो -2, मतलब 2×10^-6 Nm, दैट इज द टॉर्क। आपको टॉर्क निकालने तो आना ही चाहिए यार, अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हो तो टॉर्क निकालने तो आपको आना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो 2×10^-6, दैट इज 4th ऑप्शन सही है, ठीक है ना, माइनस ही आया था ना हम लोगों का भी, 2×10^-6।
माइनस सिक्स सही।